आज हम लोग कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है थियरी ऑफ इमेजिनेशन। कॉलरिज नाम के इंग्लैंड में एक बहुत बड़े रोमांटिक क्रिटिक हुए हैं। रोमांटिक क्रिटिक को हम बोलते हैं स्वच्छंदतावादी समालोचक या फिर स्वच्छंदतावादी आलोचक। तो कॉलरिज ने एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है, कल्पना सिद्धांत, थियरी ऑफ इमेजिनेशन। तो इस टॉपिक का अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। परीक्षा में यदि यह प्रश्न आता है तो इन सभी बिंदुओं को आपको अपने उत्तर में शामिल करना होगा। पहला है प्रस्तावना, फिर है कॉलरिज की कल्पना संबंधी अवधारणा और आयाम, इनका कॉन्सेप्ट क्या है इमेजिनेशन का, कल्पना का। प्राथमिक कल्पना किसे कहते हैं, इन्होंने कल्पना को दो भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक कल्पना, प्राइमरी कल्पना, और दूसरा है द्वितीयक अर्थात आनुषंगिक या गौण कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन। आनुषंगिक मतलब साथ में आने वाला, सहवर्ती। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, तो उसको बोलते हैं आनुषंगिक कंपनी। मतलब प्राथमिक कल्पना मुख्य कल्पना होती है और जो द्वितीयक कल्पना है वह गौण कल्पना होती है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, सेकेंडरी पोजिशन में उसका होता है स्थान। प्राथमिक और आनुषंगिक गौण या विशिष्ट कल्पना में अंतर। आनुषंगिक कल्पना को विशिष्ट कल्पना भी कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इसके बाद फैंसी, फैंसी एफ ए एन सी वाई, फैंसी मतलब होता है ललित कल्पना या फिर रम्य कल्पना। इन्होंने इसका भी उल्लेख किया है कल्पना के अंतर्गत, तो इसे भी आपको अपने उत्तर में लिखना होगा। फैंसी या ललित कल्पना, इसके स्वरूप और आयाम क्या है, और कल्पना और फैंसी मतलब ललित कल्पना और कल्पना में क्या अंतर है, और अंत में हम देखेंगे उपसंहार। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रस्तावना देखते हैं। पहले कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1772 में इंग्लैंड के सेंट मेरी नामक स्थल पर हुआ। कॉलरिज के पिता इन्हें धर्म प्रचारक बनाना चाहते थे और कॉलरिज ने कुछ दिनों तक पादरी के रूप में धर्म प्रचार का कार्य भी किया। उनके पिता चाहते थे कि ये चर्च में पादरी बने, क्लर्जी बने। कॉलरिज का स्वभाव यायावरी का था। यायावरी का था मतलब घुमक्कड़। वह एक जगह से दूसरे जगह घूमना पसंद करते थे। जैसा हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन है, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, वैसी प्रवृत्ति कॉलरिज की भी थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे। कॉलरिज अंग्रेजी के लेक कवियों, लेक पोएट्स में से एक थे। लेक पोएट्स नाम का एक समूह बना था वहां कवियों का, उन्हीं कवियों में से वो एक थे। उनकी कविताओं में द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर तथा कुबला खान अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं, इनमें ये कवि भी थे, आलोचक भी थे। तो इनकी दो कविताएं हैं द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर तथा कुबला खान, ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। आलोचनात्मक कृतियों में इन्होंने जो क्रिटिसिज्म लिखा है, जो आलोचना लिखा है, उसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट का उल्लेख किया जा सकता है। यह इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। कॉलरिज का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य लिरिकल बैलेट्स, जो 1798 में प्रकाशित हुई थी, लिरिकल बैलेट्स, इसका संपादन है, जिसे इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर किया था। अंग्रेजी के एक और बहुत महान कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इनके मित्र थे। तो इन दोनों ने मिलकर इस कविता को लिखा था लिरिकल बैलेट्स, और इसका उन्होंने संपादन में सहयोग किया था। जब भी आप कोई उत्तर लिखते हैं तो पहले थोड़ा कवि या लेखक या आलोचक या समालोचक की जिंदगी के बारे में भी आपको लिखना है, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो यह उनका संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। अब हम देखते हैं उनका रचनाकार कैसा था, उनका व्यक्तित्व। रचनाकार के रूप में कॉलरिज के रचनाकार व्यक्तित्व के तीन पक्ष हैं। पहला आलोचक रूप, पहले तो वे आलोचक हैं। दूसरा कवि रूप, वे कवि भी हैं। तथा उनके व्यक्तित्व का तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद के दर्शन को स्पष्ट करना, और एवं अपने समकालीन रचनाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करना। इन्हें रोमांटिक कवि कहा जाता है, रोमांटिक क्रिटिक है। तो इन्होंने अपने आलोचना के माध्यम से स्वच्छंदतावाद अर्थात रोमांटिसिज्म को स्पष्ट किया और दूसरे कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया। जैसे हिंदी के छायावादी कवि हैं प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, वैसे ही ये थे। तो अंग्रेजी में स्वच्छंदतावाद को क्या कहा जाता है? रोमांटिसिज्म कहा जाता है,
जिसे हिंदी में हम छायावाद के रूप में जानते हैं। छायावाद पर अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का बहुत प्रभाव है। बायोग्राफिया लिटेरिया, यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है बायोग्राफिया लिटेरिया। इसका प्रकाशन हुआ था 1817 ईस्वी में। वस्तुतः एक ऐसी महत्वपूर्ण कृति है जिसमें जीवनी, आलोचना और दर्शन का मेल देखा जा सकता है। मतलब यह केवल आलोचना ग्रंथ बस नहीं है, इसमें आप जीवनी भी देख सकते हैं, आलोचना भी देख सकते हैं और दर्शन मतलब फिलॉसफी भी देख सकते हैं। बायोग्राफिया लिटेरिया एक ऐसे आलोचक की कृति है जो बहुज्ञ तो है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, किंतु जिसमें दुरुहता की भी कमी नहीं है, दुरुहता भी कम नहीं है। दुरुहता मतलब कठिनता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे, तो इसको पढ़ने में, इसको समझने में बहुत ही कठिनाई प्रतीत होती है। कॉलरिज के आलोचनात्मक चिंतन के जितने भी पक्ष हैं, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया है, कल्पना, फैंसी, काव्य भाषा और कवि, काव्य और कविता, इनका पर इन्होंने उल्लेख किया है। कविता, कल्पना क्या है, फैंसी क्या है, काव्य भाषा और कवि का क्या संबंध है, और काव्य और कविता में क्या अंतर है, सभी उनकी इस आलोचनात्मक कृति में समग्रता के साथ व्याख्यायित हुए हैं। बायोग्राफिया लिटेरिया जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, उसमें ने बताया कि कल्पना क्या है, फैंसी क्या है, काव्य भाषा और कवि में क्या संबंध है, काव्य और कविता में क्या अंतर है। कवि के रूप में भी कॉलरिज का महत्व कम नहीं है, वे खाली आलोचक के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, कवि के रूप में भी अत्यंत प्रसिद्ध थे। लिरिकल बैलेट्स का एक तिहाई भाग उनकी कविताओं द्वारा पूरा होता है। कॉलरिज वस्तुतः लंबी कविताओं के कवि हैं। लिरिकल बैलेट्स का उन्होंने साथ में संपादन भी किया और लगभग एक तिहाई हिस्सा उनकी कविताओं का भी है उस लिरिकल बैलेट्स में, जिसे उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिखा था, उसका संपादन किया था। कॉलरिज वस्तुतः लंबी कविताओं का कवि है। कॉलरिज बड़ी लंबी लंबी कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध थे और द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर और कुबला खान इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब कॉलरिज की कल्पना संबंधी अवधारणा और आयाम। कल्पना संबंधी अवधारणा मतलब थियरी ऑफ इमेजिनेशन और उसके आयाम, क्या क्या स्वरूप, क्या क्या रूप होते हैं। पश्चिमी साहित्य शास्त्र में कल्पना संबंधी चिंतन प्लेटो और अरस्तु के समय से ही होता रहा है। मतलब पश्चिमी जो साहित्य शास्त्र है उसमें इन्होंने कल्पना को जन्म नहीं दिया, बल्कि इनसे पहले भी अरस्तु और प्लेटो के समय से ही कल्पना पर चर्चा और चिंतन किया जा रहा था। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में कल्पना की भूमिका से इंकार नहीं किया है। अरस्तु का जो प्रसिद्ध अनुकरण सिद्धांत है उसमें भी उन्होंने कल्पना की चर्चा की है और कल्पना को भी उसकी भूमिका से इंकार नहीं किया है। फिर भी सच्चे अर्थों में कॉलरिज ऐसे पहले आलोचक हैं जिन्होंने कविता की रचना प्रक्रिया में कल्पना की महती भूमिका मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को अपनी आलोचना के माध्यम से रेखांकित किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत में मौलिकता है और इसलिए उन्होंने कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका को कविता की रचना प्रक्रिया में रेखांकित किया है, उसे अत्यंत महत्व प्रदान किया है। कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद किए हैं। कॉलरिज के अनुसार कल्पना के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक कल्पना, जिसे बोला जाता है प्राइमरी इमेजिनेशन, और दूसरा होता है आनुषंगिक या द्वितीय कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन। आनुषंगिक मतलब होता है सहयोगी या साथ में आने वाला, सहवर्ती। मतलब एक हो गया प्रमुख, एक हो गया गौड़, एक महत्वपूर्ण हो गया, दूसरा उससे कम महत्वपूर्ण हो गया या उसके साथ साथ आने वाला। मैं बता चुका हूँ, जैसे बड़ी कंपनी है तो उसके साथ छोटी 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 उसके साथ बहुत सारी कंपनियां लगी होती हैं, तो वो कंपनी होगी मुख्य कंपनी और बाकी कंपनियां क्या होगी, आनुषंगिक कंपनी या द्वितीय कंपनी। तो ऐसे ही कल्पना है। कॉलरिज से पहले कल्पना के संबंध में ऐसा विवेचन किसी आलोचक के यहाँ नहीं मिलता। इनके पहले जितने भी आलोचक हुए हैं उन्होंने कल्पना के इस प्रकार भेद करके उसे नहीं समझाया है। कॉलरिज का मत है कि कवि या कलाकार का महत्व सृजन में है और यह कार्य कल्पना ही कर सकती है। मतलब किसी भी कवि या कलाकार का महत्व सृजन करने में है, कुछ नई चीजों को बनाने में है, तैयार करने में है, और यह कार्य किसके माध्यम से होता है, कल्पना के माध्यम से होता है। वही जीवन का सजीव वर्णन कर सकती है। कल्पना के माध्यम से ही हमारे जीवन और जगत का सजीव वर्णन किया जा सकता है। कवियों को कल्पना की ही सर्वाधिक अपेक्षा रहती है। कवियों को सबसे ज्यादा किस बात की जरूरत रहती है, कल्पना की जरूरत रहती है। कल्पना की सहायता से ही प्रकृति का मनोहर वर्णन कर सकता है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना ही एक ऐसी शक्ति है जो मृत जड़ वस्तुओं में भी प्राण का संचार कर सकती है। आपने देखा होगा कविता में जब मानवीकरण करते हैं, है ना, जो मृत चीजों का, जो हमारे आसपास दिखाई देने वाले चीजों का मानवीकरण के माध्यम से हम उनमें
प्राणों का संचार कर देते हैं और यह कल्पना के माध्यम से ही संभव है। उसका कार्य अनुकरण ना होकर पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो वास्तव में कल्पना क्या है? कल्पना किसी का अनुकरण या नकल नहीं है, प्रकृति का या फिर हमारे जीवन जगत का अनुकरण नहीं है, उसका नकल नहीं है, बल्कि उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है, रिप्रेजेंटेशन है। खाली प्रेजेंटेशन नहीं है, दोबारा प्रस्तुत करना है, रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद किए हैं, तो इस प्रकार जैसा हम ऊपर देखें कि कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद किए हैं, प्राथमिक कल्पना प्राइमरी इमेजिनेशन और दूसरा है द्वितीयक या आनुषंगिक या गौण कल्पना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक कल्पना क्या है, प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है। कॉलरिज के अनुसार दृश्यमान जगत की अनेक वस्तुएं, पदार्थ, प्राणी एवं स्थान को ग्रहण करने वाली शक्ति ही प्राथमिक कल्पना है। प्राथमिक कल्पना क्या है? हमारे आसपास जिन चीजों को हम जैसा देखते हैं, जैसा महसूस करते हैं, तो यह शक्ति जिसके माध्यम से हम चीजों को देखते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनको छूते हैं, उनकी सुगंध, उनकी खुशबू का एहसास करते हैं, इस शक्ति को बोला जाता है प्राथमिक कल्पना। कॉलरिज द्वारा प्रयुक्त इस प्राथमिक कल्पना के महत्व को इस दृष्टि से समझा जा सकता है कि इस प्रकृति और संसार की अनेक वस्तुओं और पदार्थों को हम देखते हैं, किंतु प्राथमिक कल्पना ही वह कारण है जिसे चीजें सुसंगत, व्यवस्थित और अवयविक, अवयविक मतलब ऑर्गेनिक, अवयविक को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक मतलब अवयव के रूप में, जिसके छोटे छोटे अवयव, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, इसको बोलता है ऑर्गेनिक। अवयविक रूप में हमारे मस्तिष्क में जगह बनाती है। अवयविक मतलब जो छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसके छोटे छोटे अवयव या हिस्से होते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में जगह बनाती है। जैसे हम बस को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये बस है, इसका साइज ऐसा है, कलर ऐसा है ना। जैसे हम गुलाब के फूल को देखते हैं तो गुलाब के फूल का सबसे पहले हम देखते हैं, फिर उसको छूकर देखते हैं, स्पर्श करते हैं, फिर उसकी खुशबू लेते हैं, फिर इसे टेस्ट करके भी देखते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये गुलाब का फूल है। जैसे कुछ पान वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें गुलकंद जो बनाते हैं वो गुलाब के फूलों से बनता है। हम अपने दैनंदिन जीवन में अनेक चीजों का साक्षात्कार करते हैं, फूल, पेड़, पहाड़, नदी, झरने, मोटर गाड़ी और इमारतें, इन सभी चीजों की एक छवि हमारे मस्तिष्क में बनती रहती है। ये सारी चीजें एक निश्चित स्वरूप में हमारे मस्तिष्क में अपनी जगह बनाती जाती हैं, आपस में गड्ढमड होती नहीं, उलझती नहीं है। वस्तु मानव मस्तिष्क की वह शक्ति जिसके कारण हम चीजों को उनके नैसर्गिक रूप में, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप में देख पाते हैं, वही कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना है। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक मतलब सामान्य तौर पर हम अपने आसपास में चीजों को देखते हैं और पहचानते हैं, उनको महसूस करते हैं, तो यह जो शक्ति है पहचानने की, समझने की, कि यह चीज छोटी है या बड़ी है, या काली है या सफेद है, इसकी खुशबू अच्छी है, इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, तो ये जो परसेप्शन होता है, सेंस ऑफ परसेप्शन, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीजों को महसूस करना, जानना और समझना, इसकी जो शक्ति होती है उसे प्राथमिक कल्पना कहा जाता है। और प्राथमिक कल्पना हर व्यक्ति में पाई जाती है। प्राथमिक कल्पना क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन जगत की चीजों को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। तो यह हो गया प्राथमिक कल्पना। यह प्राथमिक कल्पना ही है जो चीजों को एक क्रम या व्यवस्था में हमारे मनोमस्तिष्क पर अंकित करती जाती है। मतलब प्राथमिक कल्पना के द्वारा ही हम चीजों को समझ पाते हैं कि यह छोटी चीज है या बड़ी चीज है, अलग अलग चीजों को अलग अलग कर पाते हैं कि यह गुलाब का फूल है या गेंदा का फूल है या मोगरा का फूल है। यह हमको बताती है प्राथमिक कल्पना। उसको देखकर, उसको छूकर, उसकी खुशबू से हम उसको अलग अलग कर पाते हैं। तो आपस में चीजें गड्ढमड्ढ नहीं होती, मिलती नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते हम। जैसा कि हम आंखों से गुलाब के फूल का रंग देखते हैं, पहले गुलाब का रंग देखते हैं फूल का, हाथ से छूकर उसकी कोमलता का बोध प्राप्त करते हैं, कोमलता को महसूस करते हैं, नाक से उसकी सुगंध का अनुभव करते हैं और जीभ से चखकर उसका स्वाद भी पाते हैं। इस प्रकार अपनी इंद्रियों के माध्यम से हमको बोध होता है कि यह गुलाब का फूल है। इस प्रकार इंद्रियों के ज्ञान को व्यवस्थित करके कल्पना ही हमें यह बताती है कि वह गुलाब का फूल है। मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं पांच, छूना, देखना, स्पर्श करना, सूंघना, ये सब। तो इन सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को एक संकेत प्राप्त होता है कि यह गुलाब का ही फूल है, यह पर्टिकुलर फूल गुलाब का फूल है। और तो इन अलग अलग चीजों को व्यवस्थित करके, उसकी आकृति को, उसके रंग को, उसकी खुशबू को, इन सब चीजों को व्यवस्थित करके हमको जो रिजल्ट देती है वह है कल्पना।
तो कल्पना ही हमको यह बताती है फाइनली इन सब चीजों को जोड़कर कि यह गुलाब का फूल है, कोई अन्य फूल नहीं है। इस प्रकार प्राथमिक कल्पना प्राइमरी इमेजिनेशन हमें वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है, क्योंकि वह संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल होता है। प्राथमिक कल्पना वह शक्ति है जिसकी सहायता से दृश्य जगत का स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान होता है। यह सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से उपलब्ध होती है। प्राथमिक कल्पना के माध्यम से ही हमारे जो दृष्टिगोचर होने वाला जो जगत है, जो संसार है, और हमारे आसपास की चीजों को हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और इसीलिए यह प्राथमिक कल्पना सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से उपलब्ध होती है। प्राथमिक कल्पना सभी आम आदमी में पाई जाती है। हमारी आंखों के सामने न जाने कितनी वस्तुएं लगातार आती रहती हैं, मकान, सड़क, पेड़, नदी, मैदान, पशु पक्षी आदि। इसी तरह लगातार कानों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें पड़ती रहती है। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करने में सदा लगी हुई है। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सभी चीजों को अपने अपने हिसाब से ग्रहण कर रही है। कान सुन रहा है, नाक से सूंघ रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, तो यह सभी विषयों को ग्रहण करते रहते हैं। एक साथ दर्जनों मकानों, बीसों प्रकार के पेड़ पौधों पर दृष्टि पड़ती है, लेकिन हम पहचान लेते हैं कि ये घर इसका है, ये घर इसका है, यह पेड़ इसका है। इस समस्त जगत के कार्य व्यापार को व्यवस्थित रूप से ग्रहण कराने वाली शक्ति ही शक्ति को ही कॉलरिज प्राथमिक कल्पना कहते हैं। तो प्राथमिक कल्पना वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना एक स्वतंत्र और सहज मानसिक क्रिया है, क्योंकि वह मनुष्य की इच्छा की सजगता के बिना कार्य करती है। प्राथमिक कल्पना के लिए आपको बहुत ही सचेत और जागरूक होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके बगल से कोई बस गुजरे, अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जान गए कि यह बस गुजर गई, आपको विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपने देखा कि एक छोटा बच्चा खेल रहा है सड़क पे, यहाँ पे अपने गार्डन में, तो आप अचानक आपकी नजर उस पर पड़ती है, कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप जान जाते हैं कि बच्चा खेल रहा है। तो यह प्राथमिक कल्पना वह कल्पना है जो मनुष्य की इच्छा या फिर उसकी सजगता के बिना भी कार्य करती है। अब द्वितीय क्या आनुषंगिक कल्पना क्या होती है? द्वितीय सेकेंडरी इमेजिनेशन, आनुषंगिक कल्पना, सहवर्ती कल्पना। इसे आनुषंगिक कल्पना को गौड़ या विशिष्ट कल्पना भी कहा जाता है। आनुषंगिक कल्पना अर्थात गौड़ या विशिष्ट कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके कारण वह विभिन्न वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों को अपनी इच्छा के अनुसार निर्मित करता है। मतलब इसमें आपको अपनी संवेदना लगाना पड़ता है, अपनी भावनाओं को लगाना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ता है। तो इन सबको मिलाकर हम बनाते हैं आनुषंगिक कल्पना, और इसके कारण वह विभिन्न वस्तुओं में जीवन शक्ति का संचार करता है, उसका रूप में परिवर्तन करता है, पुनः सृजन करता है, प्राणियों को जो उल्लेख करता है वर्णन करता है, और स्थानों को अपनी इच्छा के हिसाब से इनका उल्लेख कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह कह सकते हैं कि द्वितीय क्या आनुषंगिक कल्पना सायास प्रयास है, मतलब विशेष रूप से प्रयास करके इस कल्पना को जन्म दिया जाता है, और अंतःशक्ति जो वस्तुओं को अलग प्रकार से देखती है। अतः यह स्पष्ट है कि आनुषंगिक कल्पना का कार्य बाह्य को आंतरिक बनाना और इस प्रकार किसी भी वस्तु का पुनः सृजन करना है। आनुषंगिक कल्पना एक विशिष्ट कल्पना है जो कवियों या कलाकारों या दार्शनिकों में पाई जाती है। मतलब आम आदमी तो चीजों को साधारण तरीके से देखता है, लेकिन कवि उन चीजों को देखते हुए उसमें अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी इच्छा को, अपनी तर्क को, अपनी बुद्धि को मिला देता है, और मिलाने के बाद वह जिस चीज को उसने देखा है उसका पुनः सृजन कर देता है। तो यह जो शक्ति है इसे कहा जाता है द्वितीय क्या आनुषंगिक कल्पना। एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कि आप बाजार गए, बाजार से आपने पनीर खरीदा, पनीर को जैसे आप प्रारंभ में देखेंगे पनीर सफेद रंग का खाने का एक सामान है पनीर, यह हो गया प्राथमिक कल्पना। सामान्य पनीर आपने देखा, भाई ये पनीर है, तो पनीर को आप पहचान गए कि ये पनीर है, लेकिन तो यह होगी प्राथमिक कल्पना जिसके माध्यम से आपने पनीर को पहचाना। लेकिन पनीर को लेकर जब आप घर आते हैं तो आपके परिवार के कोई सदस्य उसमें मिर्च मसाला प्याज और बहुत सारी चीजें डालकर जब उसकी सब्जी तैयार करती है, मतलब उसका पुनर्सृजन हो जाता है। पनीर से क्या बन जाती है? पनीर की सब्जी, मटर पनीर या फिर कोई दूसरा पनीर का कोई दूसरा जो भी आइटम होता होगा, है ना, कढ़ाही पनीर। तो ये जो कढ़ाही पनीर जो तैयार हो रही है, ये किसके माध्यम से तैयार हो रही है? द्वितीय कल्पना के माध्यम से। तो जितने भी आप इंग्रेडिएंट डालते हैं उनको मिलाने के बाद जो सब्जी बनती है वह है कढ़ाही पनीर। मार्केट से आप पनीर लेकर आए थे वो प्राथमिक कल्पना है, और ये जो कढ़ाही पनीर जो बन गई यह क्या हो गया आपका? द्वितीय कल्पना के माध्यम से यह संभव हो पाया। वैसे कवि बाहरी चीजों को कभी नहीं देखा, संसार या जगत के पेड़ को देखा, नदी को देखा, और जब वह उसका अपना वर्णन करता है
तो उसने भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपने बुद्धि को, अपने तर्क को, अपने ज्ञान को मिलाकर एक नई चीज का सृजन करता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का पुनः सृजन कर रहा है। इस प्रकार बाहरी चीजों को वह क्या है, आंतरिक बना लेता है, अपने आत्मा की चीज बना लेता है। तो यह किसके कारण होता है? द्वितीय क्या, आनुषंगिक कल्पना के कारण। तो आनुषंगिक कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन, प्राथमिक कल्पना का सजग मानवीय प्रयोग है। प्राथमिक कल्पना में जब सजगता का को हम शामिल कर देते हैं, चौकन्ना रहकर जब प्राथमिक कल्पना का प्रयोग करता है कभी, और सजग रूप में जब प्रयोग करता है, तो वह बन जाती है द्वितीय कल्पना, द्वितीय कल्पना। प्राथमिक कल्पना मनुष्य की इच्छा की सजगता के बिना ही कार्य करती है, पर आनुषंगिक कल्पना की कार्य पद्धति में सजगता का समावेश होता है। सजगता मतलब सजग रहना, ध्यान से देखना, ध्यान से करना। यह सजगता प्रत्येक मनुष्य में हो यह आवश्यक नहीं है। प्राथमिक कल्पना तो हर व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन जो सजगता है वह प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाई जाती। द्वितीय कल्पना प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाई जाती, यह केवल कलाकारों में, दार्शनिकों में और विद्वानों में पाई जाती है। यह केवल कलाकार में होती है। चित्रकार, कवि, दार्शनिक आदि इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अपने व्यापक अर्थ में मानसंगिक कल्पना एक सजग मानसिक सर्जन क्रिया कही जा सकती है। सर्जन किया मतलब सृजन की क्रिया। तो व्यापक अर्थ में आनुषंगिक कल्पना या गौड़ कल्पना या विशिष्ट कल्पना को हम क्या कर सकते हैं, यह एक सृजन की क्रिया है। जिन चीजों को हम बाहरी दुनिया में देखते हैं उनका पुनर्सृजन करते हैं, तो यह द्वितीय कल्पना के माध्यम से संभव हो पाता है। कॉलरिज का मत है कि काव्य में प्रकृति अथवा जीवन का यांत्रिक अनुकरण तो प्रकृति से चोरी, थेफ्ट फ्रॉम नेचर है। काव्य की महत्ता पुनः सृजन में जीवन का सजीव रूपांतर प्रस्तुत करने में निहित है, और यह कार्य आनुषंगिक कल्पना के द्वारा ही संभव होता है। मतलब प्रकृति से आपने कोई चीज उठाया, जीवन से कोई चीज उठाया, और एज आपने उसका वर्णन कर दिया, जैसा कि आपने उसको देखा, जैसा कि उसने महसूस किया। तो यह क्या कहा जाएगा, थेफ्ट फ्रॉम द नेचर। प्रकृति से आपने चोरी कर लिया, उसका वैसा ही वर्णन कर दिया, लेकिन वास्तव में आपको उसका पुनः सृजन करना है। एक कवि या कलाकार या चित्रकार उसमें अपनी भावनाओं, कल्पनाओं, संवेगों के द्वारा उसमें उसका पुनः सृजन कर देता है, एक नई चीज प्रस्तुत कर देता है, और यह आनुषंगिक कल्पना के द्वारा ही संभव होता है। उसका सजीव रूपांतर कर देता है। रूपांतर का मतलब चेंज करना, परिवर्तित कर देता है सजीव रूप में। प्राथमिक कल्पना प्रत्येक व्यक्ति में होती है, किंतु आनुषंगिक कल्पना केवल रचनाकारों में होती है। प्राथमिक कल्पना स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित इंद्रिय बोध को व्यवस्थित करती है, तो आनुषंगिक कल्पना रचनाकार की इच्छा होने पर सक्रिय होती है। प्राथमिक कल्पना क्या करती है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हमारी इंद्रियां हैं, उनसे जो उसको जो संकेत प्राप्त होता है मस्तिष्क को, उनको जमा देती है, तब हमको व्यवस्थित रूप कर देती है उसका, जिससे हम उसको पहचान पाते हैं। यह प्राथमिक कल्पना हो गया। लेकिन जो आनुषंगिक कल्पना कब जन्म लेती है, जब रचनाकार इच्छा होती, रचनाकार की इच्छा होती है, तभी आनुषंगिक कल्पना सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। प्राथमिक कल्पना सहज रूप से काम करती है, तो आनुषंगिक कल्पना हमारी इच्छा के अनुसार। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में हमारा नेटवर्क है, समझ लीजिए वो प्राथमिक कल्पना है। जब हमारा मोबाइल जैसे चला, लेकिन जब उसमें इंटरनेट चालू कर देते हैं, तो उसका सारे फंक्शंस काम करने लगते हैं, सारे एप्लीकेशंस वगैरह, तो वो हो जाता है आनुषंगिक कल्पना। ठीक कुछ ऐसा ही है। मतलब मोबाइल में हमने इंटरनेट को एक्टिवेट किया हुआ है, तो वह हो गया आनुषंगिक कल्पना। आनुषंगिक कल्पना शक्ति का प्रयोग चित्रकार, दार्शनिक और सभी कवि सभी करते हैं। प्राथमिक कल्पना के द्वारा जो भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे आनुषंगिक कल्पना गला घुला मिलाकर बिल्कुल नया घोल तैयार करती है। जैसे मैंने पनीर का उदाहरण दिया, और कलाकार की इच्छा के अनुसार उसे नया रूप प्रदान करती है। जैसे सुनार सोने को गलाकर उसे विभिन्न आभूषणों में बदल देता है, वैसे ही आनुषंगिक कल्पना प्राथमिक कल्पना द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तुओं को नए रूप में ढालकर अभीष्ट कलाकृति में परिणत कर देती है। मतलब प्राथमिक कल्पना से जो चीजें उसे मिलती है, उसको अपनी भावनाओं, संवेदनाओं, विचार, बुद्धि के द्वारा नए रूप में ढाल देता है, और एक नई कलाकृति जो वह बनाना चाहता है उसमें उसको परिवर्तित कर देता है। परिणत करना मतलब परिवर्तित कर देना। तात्पर्य यह है कि दृश्यमान संसार की सामान्य वस्तुएं ही आनुषंगिक कल्पना के योग से विशिष्ट और रमणीय बन जाती है। मतलब हम जिन चीजों को हमारे आसपास देखते हैं, जैसे एक साधारण आदमी है, बहती हुई नदी को वह साधारण रूप से देखेगा कि एक नदी बह रही है, उसने देखा। लेकिन जो कवि होगा, उस बहती हुई नदी में अपने तरफ से कुछ मिला जुला करके वह जब कविता लिखता है, तब वह बहुत ही विशिष्ट और रमणीय बन जाती है।
अब प्राथमिक और आनुषंगिक गौड़ या विशिष्ट कल्पना में क्या क्या अंतर है हम देखते हैं। प्राथमिक कल्पना सहज भावों से वस्तुओं को ग्रहण करती है, जबकि आनुषंगिक कल्पना में जानबूझकर स्वदेश ढंग से चीजों की ग्राह्यता होती है। यह मैं बता चुका हूं कि जब सजग रहकर जानबूझकर चीजों को ग्रहण किया जाता है तो अद्वितीय कल्पना है, और सामान्य रूप से हम चीजों को देखते हैं तो प्राथमिक कल्पना है। प्राथमिक कल्पना मुख्यतः दृश्यमान जगत पर आधारित होती है। दृश्यमान जगत मतलब जो हम आसपास देखते हैं उन चीजों पर आधारित होती है प्राथमिक कल्पना। जबकि आनुषंगिक कल्पना में आत्मा, बुद्धि, इंद्रिय, संवेदन, भाव सभी का समावेश होता है। लेकिन आनुषंगिक कल्पना में बाहर में जो चीजें देखते हैं तो देखते हैं, लेकिन उसमें हमारी आत्मा का, हमारी बुद्धि का, हमारे इंद्रियों से जो प्राप्त संवेदना है, इंद्रियों से प्राप्त संवेदना मतलब यह खूबसूरत है, इसका रंग ऐसा है, इसकी खुशबू ऐसी है, और भाव, हमारे जो विचार या भाव है उनका भी समावेश होता है। प्राथमिक कल्पना का क्षेत्र सीमित है, जबकि आनुषंगिक कल्पना का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, क्योंकि आनुषंगिक कल्पना के माध्यम से हम पुनः सृजन करते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। प्राथमिक कल्पना अपनी प्रकृति में संरचनात्मक होती है, अर्थात यह केवल निर्माण या संगठन करती है। प्राथमिक कल्पना के माध्यम से हम सिर्फ निर्माण कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, चीजों को सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जबकि आनुषंगिक कल्पना सृजन और ध्वंस, विघटन और संगठन दोनों कार्य करती है। जबकि आनुषंगिक कल्पना क्या है, जैसे बादल गरज रहा है तो हम प्राथमिक कल्पना के माध्यम से सिर्फ हम देखेंगे प्राथमिक कल्पना के आधार पर कि बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है। लेकिन जो आनुषंगिक कल्पना के माध्यम से बादल का गरजना, बिजली की चमकना, वो अच्छा भी बताया जा सकता है और बुरा भी बताया जा सकता है। जैसे निराला की कविताएं हैं, एक जागो फिर एक बार, या फिर बादल राग कविता है निराला जी की, है ना, जिसमें उन्होंने बादल को क्रांति का प्रतीक बताया है। तो यह है, तो मतलब आनुषंगिक कल्पना के माध्यम से आप चीजों को अच्छा भी बता सकते हैं, बुरा भी बता सकते हैं, उनका सृजन भी कर सकते हैं, उनको नष्ट भी कर सकते हैं, ध्वंस और विघटन और संगठन दोनों कार्य कर सकते हैं। प्राथमिक कल्पना स्वाभाविक रूप से हर किसी में विद्यमान रहती है आम आदमी में, जबकि आनुषंगिक कल्पना की विद्यमानता विशेष रूप से दार्शनिक, रचनाकार और कलाकार में होती है। प्राथमिक कल्पना सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, लेकिन जो विशिष्ट कल्पना, गौड़ कल्पना या फिर आनुषंगिक कल्पना है, वह केवल दार्शनिकों में, रचनाकारों में, कलाकारों में पाई जाती है। प्राथमिक कल्पना का क्षेत्र भौतिक जगत है, दृश्यमान जगत है, जिसे हम देखते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, जबकि आनुषंगिक कल्पना भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक और उच्च आदर्शों वाली होती है। लेकिन आंशिक आनुषंगिक कल्पना क्या है, हमारे अंदर की चीजें, हमारे भीतर की चीजें, हमारे आत्मा से संबंधित है, तो इसलिए इसमें उच्च आदर्श निहित होते हैं, यह आध्यात्मिक होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि कॉलरिज केवल अनुकरण को उचित नहीं मानते, नकल को ही केवल उचित नहीं मानते अनुकरण को, वरन उनका मानना था कि रचनाकार का वैशिष्ट, विशेषता इस बात में निहित होता है, वैशिष्ट मतलब विशेषता या खासियत इस बात में निहित होता है कि उसने कितना पुनः सृजन किया। मतलब केवल बाहर की चीजों को आपने देख लिया, जैसा है वैसा है उसका वर्णन कर दिया, यह कवि या कलाकार का काम नहीं होता, बल्कि उसका उसको पुनः सृजन करना होता है, और इसी में ही उसकी विशेषता निहित होती है कि उसने कितना पुनः सृजन किया। कॉलरिज का स्वयं का चिंतन भी इसीलिए यांत्रिकतावादी मतलब मैकेनिकल ना होकर जैववादी या अवयविक ऑर्गेनिक है। यांत्रिकतावादी मतलब जैसा आपने देखा वैसा आपने वर्णन कर दिया, उसमें कोई भावना नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, जैसा आपने देखा वैसा। और जैववादी मतलब जीवों से संबंधित, अवयविक मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जो अलग अलग अवयवों से मिलकर बनता है। जैसे हमारा शरीर है, इसमें ऑर्गेनिक यूनिटी है, आंख है, नाक है, कान है, ये अलग अलग अवयव हैं, इन सबको मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो इसी प्रकार सभी चीजों को मिलाकर जैसे हमारा शरीर बनता है, वैसे ही आनुषंगिक कल्पना है। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना तत्व में वस्तुओं और पदार्थों के एकीकरण की क्षमता होती है। अब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कल्पना तत्व में क्या होता है, वस्तुओं और पदार्थों को एक साथ मिलाने की क्षमता होती है। कॉलरिज का यह भी मानना था कि कवि कर्म की सफलता या असफलता बहुत कुछ समन्वय पर निर्भर करती है। संवेदना और बुद्धि तत्व के साहचर्य को कॉलरिज कविता का, काव्य का अनिवार्य गुण मानते हैं। स्पष्ट है कि इस समन्वय में कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब किसका समन्वय करना चाहते हैं, विचार और बुद्धि और भावना और संवेदना का, इन सभी चीजों के समन्वय के माध्यम से ही एक अच्छी कविता जन्म लेती है। मतलब कवि कर्म की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक कवि कितना समन्वय कर पाता है अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी कल्पना, अपनी संवेदनाओं और अपनी आत्मा, सब कुछ को मिलाकर जब वो एक कविता लिखता है त
तब इनके समन्वय से भी एक अच्छी कविता जन्म लेती है और उसी में ही कविता की कविता और कवि दोनों की सफलता निहित होती है। फैंसी या फिर ललित कल्पना, फैंसी या फैंसी या फैंसी इसे कहा जाता है ललित कल्पना या फिर रम्य कल्पना, इसका स्वरूप एवं आयाम, इसको भी आपको परीक्षा में छोड़ना नहीं है। क्योंकि कल्पना सिद्धांत का ही हिस्सा है तो इसे भी आपको परीक्षा में लिखना है, इसको शामिल करना है। फैंसी को हिंदी में रम्य कल्पना अथवा ललित कल्पना कहा जाता है तथा इसे बिंब निर्मात्री शक्ति अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो बिंब उभर कर आता है हमारे दिमाग में, जैसे कोई कभी किसी चीज की किसी बात का वर्णन करता है, हमारे दिमाग में जो शब्द चित्र उभर कर आते हैं, जैसे कवि ने नदी का वर्णन किया और हमारे दिमाग में नदी की इमेज बन जाती है, नदी का बिंब बन जाता है, तो यह बिंब बनाने वाली शक्ति है फैंसी। फैंसी को हिंदी में रम्य कल्पना अथवा ललित कल्पना कहा जाता है। फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फैंटेसिया से मानी जाती है, जिसका संबंध कल्पना से है। वस्तुतः कॉलरिज ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने फैंसी के स्वरूप एवं आयाम पर गंभीरता से विचार किया और उसे कल्पना से सर्वथा अलग किया। तो जो कॉलरिज है उन्होंने फैंसी और कल्पना में अंतर किया है और फैंसी को कल्पना से अलग किया है। फैंसी को ललित कल्पना कहा जाता है या फिर रम्य कल्पना। कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटेरिया जो उनका प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है उसमें लिखा है कि फैंसी या ललित कल्पना जिसे रम्य कल्पना कहा जाता है, फैंसी या ललित कल्पना देश और काल के बंधन से मुक्त स्मृति का ही एक रूप है और यह योजक के रूप में कार्य करती है। देश और बंधन से मुक्त स्मृति मतलब जैसे कि आप, जैसे कोई विदेशी आया, विदेशी ने आके हमारे ताजमहल को देखा फिर वो अपने देश में चला गया, लेकिन ताजमहल को देखने से उसने उसकी खूबसूरती को जो महसूस किया तो उसके दिमाग में जो स्मृति है उस स्मृति को लेकर वो अपने कंट्री में जाता है, फिर उस पर आधारित एक कविता लिख देता है। तो यही फैंसी है ना। तो यह जो स्मृति है जो देश और काल कि वह भारत में आकर उसने देखा, कौन से ईयर में देखा, इन सब चीजों का प्रभाव उसकी स्मृति पर नहीं पड़ता, सिर्फ उसे यह याद रहता है कि मैंने ताजमहल देखा है और ताजमहल के आधार पर मुझे कविता लिखना है। तो यही मुक्त स्मृति है और यह एक योजक के रूप में कार्य करती है और यही फैंसी या ललित कल्पना है। आप समझ रहे हैं मतलब किसी चीज को आपने कब देखा, कहां देखा, यह या आपको याद नहीं है, लेकिन उसको याद करके उसके बाद जब आप उस पर कविता लिखते हैं, कोई रचना लिखते हैं, तब यह किसके कारण संभव हो पाता है, फैंसी या ललित कल्पना के कारण संभव हो पाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कहा जा सकता है कि फैंसी या ललित कल्पना का स्वरूप सृजनात्मक ना होकर रचनाकार द्वारा कभी किसी समय में देखे हुए किसी दृश्य या चित्र को बाद में किसी संदर्भ में प्रस्तुत कर देना होता है। जैसे आप ही गए ताजमहल आप देख के आए, पता नहीं कब देख के आए थे, लेकिन यदि आप निबंध लिख रहे हैं कि भारत की ऐतिहासिक इमारतें, तब आप ताजमहल के बारे में उल्लेख करते हैं, तो भले ही आपको याद नहीं है कि आप ताजमहल देखने आगरा कब गए थे, बचपन में देखा था कि बड़े होकर देखे थे, कब देखे थे, लेकिन आपने देखा था, उसको महसूस किया था, अब उसको आप अपने निबंध में लिख रहे हैं, तो यह क्या हो गया, फैंसी के कारण संभव हो गया। तो इसलिए फैंसी या ललित कल्पना का स्वरूप सृजनात्मक नहीं होता है। प्रायः फैंसी के अंतर्गत जिन दो भिन्न वस्तुओं का संयोजन किया जाता है वे अपने वैशिष्ट्य के साथ उपस्थित रहती है। जैसे आप आगरा गए तो आपने फतेहपुर सिकरी भी देख लिया और आपने ताजमहल भी देख लिया। अब आप निबंध लिख रहे हैं तो आपने फतेहपुर सिकरी के बारे में भी लिखा और ताजमहल को भी लिखा, तो दोनों चीजों को आपने यहाँ पर उल्लेख कर दिया, तो वे अपने वैशिष्ट्य के साथ उपस्थित रहती है। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। ताजमहल के बनाने का उद्देश्य अलग था और फतेहपुर सिकरी के निर्माण का उद्देश्य अलग था। तो ये आपके निबंध में दोनों या फिर कविता में दोनों अपनी विशिष्टता के साथ, अपनी खासियत के साथ उपस्थित रहती हैं। कल्पना और फैंसी में मुख्य अंतर यही है कि कल्पना में रचनाकार दो भिन्न वस्तुओं के संयोजन से एक नई वस्तु का निर्माण कर देता है, जबकि फैंसी में दोनों वस्तुएं अलग अलग प्रतीत होती है। तो जैसे कल्पना है, एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे आप केक खरीदते हैं मार्केट में जाने के लिए, आपको जन्मदिन मनाना है, आपने केक खरीदा, तो जब केक आप खाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, क्या क्या सामान डालकर केक बनाया गया है, आपको महसूस नहीं होता, अलग अलग स्वाद महसूस नहीं होता, तो यह हो गया कल्पना। और फैंसी क्या हो गया, आप बाजार गए, आपने चाट खाया और आपको चाट में अलग अलग चीजों के स्वाद महसूस होते हैं कि मिर्च है तो यह तीखा स्वाद है, इमली के पानी का स्वाद अलग होगा, दही का स्वाद अलग होगा, है ना, और जो खस्ता है या फिर समोसा है उसका स्वाद अलग होगा। तो चाट में क्या है, आप अलग अलग चीजों के स्वाद को महसूस करते हैं, तो यह हो गया फैंसी। और कल्पना क्या हो गया, जैसे केक है, केक में क्या क्या सामान डाले हैं आपको नहीं पता, आपको सिर्फ मीठा मीठा सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, तो ये केक हो गया, तो ये हो गया कल्पना।
कल्पना और फैंसी में मुख्य अंतर यही है कि कल्पना में रचनाकार दो भिन्न वस्तुओं के संयोजन से एक नई वस्तु का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिला देता है कलाकार और एक नई चीज बना देता है, जबकि फैंसी में दोनों वस्तुएं अलग अलग प्रतीत होती हैं। फैंसी में भी दो वस्तुओं को मिलाया जाता है लेकिन दोनों का अलग अलग विशिष्टता हमको महसूस होता है। तो फैंसी ललित कल्पना या फैंसी या ललित कल्पना स्मृति का एक प्रकार है। वास्तव में फैंसी या ललित कल्पना का संबंध स्मृति से है, मेमोरी से है, याददाश्त से है। यह स्मृति देश काल के बंधन से मुक्त रहती है। देश काल के बंधन से मुक्ति मैं बता चुका हूं, कोई इंग्लैंड का अमेरिका का व्यक्ति भारत आकर दर्शन करता है आगरा, उसका आगरा आता है, ताजमहल देखता है, तो यह स्मृति जो होती है, मेमोरी होती है जो ताजमहल की, वह देश और काल की सीमाओं से परे है। उसकी खूबसूरती को हर व्यक्ति वैसा ही महसूस करता है और कोई भी पीढ़ी हो, कोई भी जनरेशन हो, उसकी खूबसूरती को वैसा ही महसूस करता है। सामान्य स्मृति देश काल के बंधन में होती है, लेकिन जो सामान्य स्मृति है वह देश काल के बंधन में होती है। जैसे मैंने दिवाली में कोई कपड़ा खरीदा, यह कपड़ा बहुत अच्छा था, सुंदर दिख रहा था, कुछ दिनों के बाद हम उसको भूल जाते हैं। ये उदाहरण के लिए बिहारी ने एक दोहे में, मतलब हर दिवाली में हमने क्या कपड़ा खरीदा हमको याद नहीं रहता, लेकिन ताजमहल जीवन भर याद रहेगा। उदाहरण के लिए बिहारी ने एक दोहे में नायिका की चमचमाती आंखों की तुलना निर्मल जल में उछलती मछलियों से की। बिहारी नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि बिहारी, तो उन्होंने जो नायिका है उसकी आंखों की तुलना किससे की है, निर्मल जल मतलब साफ पानी में उछलती हुई मछलियों से की है। मतलब नायिका की आंखें कैसी है, जो साफ पानी में मछली जब उछलती रहती है तो मछली जितनी खूबसूरत दिखती है नायिका की आंखें वैसी है। बिहारी ने जल में उछलती मछलियों को कब देखा और कहां देखा इसका कोई संकेत नहीं है, लेकिन बिहारी ने उन मछलियों को कब देखा था यह सिर्फ उसकी स्मृति भर है। तो इसे ही कहा जाता है फैंसी या फिर ललित कल्पना। तो फैंसी का संबंध स्मृति से, बिहारी ने कब उन मछलियों को देखा था नहीं पता, कभी देखा होगा उसी के आधार पर यह तुलना की है। यही देश काल के बंधन से स्मृति की मुक्ति होती है। मतलब जो हमारी स्मृति है, जो खूबसूरत चीजों को याद रखती है, पुरानी बातों को जो याद रखती है, जिसके माध्यम से बाद में हम कुछ लिखते हैं, पुनः सृजन करते हैं, तो यह फैंसी के कारण ही संभव होता है, जो देश और काल के बंधन से मुक्त होती है। जो हमारी स्मृति होती है, मुक्ति होती है, उस पर किसी देश का और काल विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम कल्पना और फैंसी मतलब ललित कल्पना में क्या अंतर है अभी देख लेते हैं। कल्पना का स्वरूप सृजनात्मक होता है जबकि फैंसी यांत्रिक होती है। कल्पना के द्वारा हम एक नई चीज का निर्माण करते हैं, लेकिन यांत्रिक कल्पना के द्वारा सिर्फ चीजों को हम इकट्ठा करके उनका उल्लेख करते हैं। कल्पना शक्ति के लिए नैसर्गिक प्रतिभा का होना आवश्यक है। नैसर्गिक प्रतिभा मतलब कल्पना शक्ति का प्रयोग करने के लिए कवि में अपना टैलेंट होना चाहिए, खुद की प्रतिभा होनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से उसको जीनियस होना चाहिए, प्रतिभाशाली होना चाहिए। जबकि फैंसी को निपुणता के द्वारा भी सीखा जा सकता है, जबकि जो फैंसी है उसको बार बार प्रैक्टिस करके भी आप सीख सकते हैं, बार बार अभ्यास करके भी आप फैंसी को सीख सकते हैं। दो चीजों को जोड़कर नई चीजों को लिखना आप सीख सकते हैं। कल्पना यौगिक की तरह है और फैंसी मिश्रण की तरह। कल्पना जैसे केक की तरह है तो फैंसी क्या है, चार्ट की तरह है। कल्पना एक यौगिक की तरह होता है और फैंसी क्या होता है, मिश्रण की तरह होता है। अर्थात कल्पना शक्ति के प्रयोग से किसी नए बिंब या दृश्य का सृजन होता है, कोई नया इमेज बनता है, कोई नया बिंब बनता है कल्पना के द्वारा, जबकि फैंसी के प्रत्येक तत्व अपनी विशेषता को संरक्षित रखते हैं। मतलब कल्पना के द्वारा हम या दो से अधिक चीजों को मिलाकर एक नई चीज का निर्माण करते हैं, लेकिन फैंसी के द्वारा हम सिर्फ दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ते बस हैं, उनको इकट्ठा करके उनको जमा देते हैं बस। मतलब फैंसी में प्रत्येक तत्व का अपनी जो विशिष्टता है, अपनी खूबी है, अपनी खासियत है, वह बनी रहती है फैंसी में, लेकिन कल्पना में वो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं और एक नई चीज बनती है। कल्पना शक्ति सदैव उदात्त और गरिमामय बिंबों का निर्माण करती है, इसीलिए कल्पना शक्ति के द्वारा हम महानतम चीजों को, श्रेष्ठ चीजों को, गरिमामय सर्वश्रेष्ठ चीजों और बिंबों और दृश्यों और चित्रों का निर्माण करते हैं। जबकि फैंसी विश्रृंखल और अगंभीर भी हो सकती है। जबकि फैंसी में क्या करते हैं, हम सिर्फ चीजों को जमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, सजाते हैं, तो यह विश्रृंखल भी हो सकती है, अगंभीर भी हो सकती है, मतलब यह अच्छी भी हो सकती है और साधारण भी हो सकती है। कल्पना शक्ति सुसंबद्ध और सुगठित होती है। कल्पना शक्ति बहुत ही बेहतरीन होती है, अच्छे से जमी हुई होती है, सुगठित होती है, अच्छा दिखाई देता है। जबकि फैंसी केवल असमान वस्तुओं या बिंबों को एकत्र रखना पर है। फैंसी में क्या है, हम अलग अलग असमान चीजों को लाकर, जैसे सफेद रंग, काला रंग, अलग अलग चीजों को एक जगह लाकर हम कोई चित्र बना देते हैं, तो हो जाता है असमान। इनको सिर्फ इकट्ठा करना बस है, जबकि कल्पना व्यवस्थित होती है।
फैंसी सिनेमा के पर्दे पर चार चित्रों को एक साथ रखना जैसा है। जैसे हम सिनेमा पर है, कोई हम फिल्म देख रहे हैं, चार फिल्मों का जैसे हम कोई यूट्यूब वगैरह खोलते हैं तो अलग अलग थंबनेल हमको दिखाई देते हैं, चार थंबनेल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वैसे ही फैंसी है, अलग अलग थंबनेल जैसा है, अलग अलग चित्र जैसा है। अब हम देखते हैं उपसंहार। कॉलरिज के फैंसी विषयक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए यह भी ध्यान में रखना होगा कि कॉलरिज के चिंतन के बीज जर्मन दार्शनिक सिद्धांतों से मेल खाते हैं, जहां सुसंबद्धता, सुगठन और अवयविक अन्विति पर बहुत बल दिया जाता है। संभवतः यही कारण है कि अन्विति के इसी प्रभाव के कारण कॉलरिज फैंसी को गैर रचनात्मक और निरर्थक मानते हैं। कॉलरिज का जो सिद्धांत है वह जर्मन दार्शनिकों और विचारकों से प्रभावित है, जिसके अनुसार क्या कहा जाता है कि जो भी हम तैयार करते हैं, जो भी नवीन सृजन करते हैं, तो उसमें जो विभिन्न अवयव हैं, उस सृजन प्रक्रिया में जिन चीजों को हम इकट्ठा करते हैं उनको हमको व्यवस्थित ढंग से जमाना चाहिए, लेकिन फैंसी में हम इस प्रकार जमाते नहीं है, इसीलिए फैंसी को जो उसमें ऑर्गेनिक यूनिटी होती है, जिसमें क्रमबद्धता होती है, जो उसमें व्यवस्था होती है, वह नहीं पाई जाती फैंसी में, और इसीलिए कॉलरिज क्या कहते हैं, फैंसी को गैर रचनात्मक है, इसमें सृजन की प्रक्रिया संभव नहीं है और यह निरर्थक है। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉलरिज ने अपने कल्पना विषय चिंतन में प्राथमिक कल्पना को प्रथम स्थान पर रखा है। तो कॉलरिज के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्राथमिक कल्पना है जो हर व्यक्ति में पाई जाती है। इसके बाद क्या है, आनुषंगिक कल्पना। आनुषंगिक कल्पना को उन्होंने दूसरे पोजीशन में रखा है, सबसे पहले रखा है प्राथमिक कल्पना का महत्व दिया है कॉलरिज ने, उसके बाद आनुषंगिक कल्पना या द्वितीय कल्पना का महत्व दिया है, और सबसे अंत में उन्होंने फैंसी को महत्व दिया है, ललित कल्पना को महत्व दिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत क्या है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और इस लेक्चर का PDF आपको इसके लिंक में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।